रक्षाबंधन का पर्व हर साल हम मनाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे पहले राखी किसने किसे बांधी थी? रक्षाबंधन की तीन ऐसी कहानियां जो शायद आपने ना सुनी हो। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्रा। सबसे पहले उस कथा की बात करते हैं जो याद दिलाती है दुनिया के सबसे पहले रक्षाबंधन पर्व को। महाभारत की यह कथा है। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में शिशुपाल भी आया था, और शिशुपाल जो था जब भी अवसर मिलता था भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने का कोई भी अवसर छोड़ता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा हुआ था कि जब तक 100 पापों का घड़ा नहीं भर जाता तब तक तुझे मारूंगा नहीं, और उस यज्ञ के दौरान उसने अपना 100वां पाप कर दिया। जब यज्ञ चल रहा था तो शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया और भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का जब वध किया, जब सुदर्शन चक्र का उन्होंने प्रयोग किया तो उनकी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। वहीं मौजूद थीं महारानी द्रौपदी, जिन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का जो पल्लू था उसको फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे कि रक्त बहना बंद हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण मैं चुकाऊंगा। और कहते हैं जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, तभी से रक्षाबंधन के पर्व को मनाने की परंपरा चल पड़ी। उसके बाद की कथा आपको याद होगी। द्रौपदी का चीरहरण होता है जुए के खेल में। जो कुटिल मामा शकुनी था वो द्रौपदी को दांव में जीत लेता है। दुशासन भरी सभा में बालों से पकड़कर द्रौपदी को घसीट कर लाता है, और द्रौपदी का भरे दरबार में जो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, विदुर थे, उन सबके सामने अपमान किया जाता है और कोई विरोध नहीं करता। तो दुर्योधन कहता है दुशासन से कि चीरहरण शुरू किया जाए, आदेश देता है। तब द्रौपदी रोते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं। भगवान को याद आता है वो वचन जो उन्होंने शिशुपाल वध के दौरान द्रौपदी को दिया था। भगवान प्रकट होते हैं और साड़ी इतनी लंबी होती चली जाती है, इसे खींचते खींचते दुशासन बेहोश होकर के गिर पड़ता है। भगवान अपना वचन निभाते हैं और रक्षाबंधन के इस पर्व का मतलब समझाते हैं कि जो भी वचन भाई ने अपनी बहन को दिया है उसे निभाना ही हो। दूसरी कथा है भगवान श्रीहरि यानी कि भगवान विष्णु की। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था, और उनके यज्ञ पर पहुंच करके दान में उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने उस मांग को स्वीकार किया तो भगवान ने 1 पग में पूरा आसमान नाप दिया, 2 पग में पूरी जमीन नाप दी, पूरी धरती नाप दी। अब राजा बलि को लगा कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वो समझ गए, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु आप 3रा पग मेरे सिर पर रख दीजिए और मेरी विनती स्वीकार कीजिए, आपको मेरे साथ रहना होगा। भगवान विष्णु को अपने भक्त की बात माननी पड़ी। ऐसे में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें राखी बांधी। उसके बाद राजा बलि ने कहा, जो गरीब महिला बनकर आई थी माता लक्ष्मी, उनसे कि मन चाहो उपहार मांगिए। तो उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा कि मैं अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु को वापस ले जाना चाहती हूँ। अपने वादे को पूरा करने के लिए बलि ने माता लक्ष्मी की मांग को स्वीकार कर लिया था। ये घटना भी कहा जाता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को हुई, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार उसी दिन से मनाया जाने लगा। और तीसरी जो कथा है वो है देवराज इंद्र की। कहा जाता है, भविष्य पुराण में कहा गया कि 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों का संग्राम चलता रहा, युद्ध होता रहा। देवताओं की पराजय हुई तो देवराज इंद्र जो थे वो सभी देवताओं के साथ में अमरावती चले गए। असुरों ने 3 लोकों पर कब्जा कर लिया, और जहां कहीं वेदों का पठन पाठन होता था, पूजा होती थी, उन्होंने आदेश दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, तो 3 लोकों में धर्म का नाश होने लगा। इस बात से चिंतित होकर के देवराज इंद्र जो थे वो गुरु बृहस्पति के पास में पहुंचे, और उस समय गुरु बृहस्पति के साथ उनकी पत्नी शुचि जी उपस्थित थी, और उन्होंने कहा कि देवराज आपकी व्यथा को मैं समझती हूँ, कल ब्राह्मण शुक्ल पक्ष की जो है पूर्णिमा है, आप विधान पूर्वक तैयार किया गया जो रक्षा सूत्र है वो मैं आपको दूंगी, आप इसे कल ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा, आपकी विजय निश्चित है। और अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया, उनकी विजय जो है वो हुई। तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों के माध्यम से जो रक्षाबंधन का पर्व है ये उस दिन से मनाया जाना शुरू हुआ। तो ये 3 बड़ी कथाएं हैं जो बताती हैं कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है। और अंत में एक छोटी सी कथा और सुनाता हूं, ये भी महाभारत काल की है। युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं संकटों के पार जा सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आप सभी सैनिकों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधिए, वो समस्त संकटों को हरा करके विजय जो है सुनिश्चित करेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने बिल्कुल वैसा ही किया और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि इस विजय में वो जो रक्षा सूत्र बांधे
गए थे उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनका भी योगदान था। जिस दिन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था वो श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था, इसलिए कहा जाता है कि तब से इस दिन सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है। तो ये थी वो कथाएं, वो कहानियां जो बताती हैं रक्षाबंधन के पर्व के महत्व को। आप देखते रहिए आरजी कार्तिक एक्स्ट्रास, जहां ऐसी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलती रहेंगी।